क्वेश्चन पेपर फोर। सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टू इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ ई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस के, then k is equal to 14. Your 2 is one of the zero. In square there is x, we should put down 2. 2 square minus 9 into 2 plus k, that is equal to 0. 4 minus 18 plus k equal to 0. Means your answer k equal to 14 and that is 2. So your first statement is 2. Number 2, discriminant of equation x square minus 3x minus 8 equal to 0 is minus 23. So let's check. Discriminant means square minus 4ac. In Gujarat board they mentioned D. Square minus 4ac minus 3 the whole square minus 4 into 1 into minus 8. 9 minus minus plus 32. 41 is not equal to minus 23. Hence, this is wrong, that is false. Question number 3. Pi is rational number. So again, it is false. Pi is an irrational number. Number 4. If a comma 7, a comma 7 is one of the solution of 3x plus 2y equal to 41, then a equal to 9. So where there is x, we have to put down a. Where there is y, we have to put down the value of y 7, that is equal to 41. 3a plus 14 equal to 41. So 3a equal to 27. Hence a equal to 9. So statement is true. चार क्वेश्चन हो गए, राइट? नंबर 5, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर 36 एंड 4 रिस्पेक्टिवली एंड स्मॉलर नंबर, लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई. Now sum up the two numbers x plus y, that is 36, and difference x minus y 4. You have to find out the smaller number. For that what we will do, instead of doing plus, hum log kya kar denge minus, to seedha answer aa jayega. Ye plus aur ye minus. So 2y equal to 32, 36 minus 4, so y equal to 16. स्मॉलर नंबर 16 एंड लार्जर नंबर 20. जैसे पूछा जाए, अगर लार्जर पूछा होगा तो वी कुड हैव डन इजीली समय से, बराबर, तो वाई निकल जाए, बट हम लोगों ने स्मॉलर पूछा है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको एक छोटा नंबर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एक्सप्रेस एस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी x square y raised to 5, where x and y prime numbers, x and y prime numbers. अगर ये prime numbers है मतलब कि आप हम लोग उसका HCF निकालेंगे, HCF of a comma b, तो आपका यहां से lowest power लेना पड़ेगा. टेक्सटबुक में ऐसा लिखा है, आप लोग देखना, right? lowest exponent, lowest power, राइट ऑफ एचसीएल. तो यहां पे एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई का भी ऐसा ही है, वाई स्क्वायर एंड वाई रेज टू 5. तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. नेक्स्ट वन, नंबर 7, ट्रायंगल एबीसी ए 0,4, बी 4,0 एंड
4.4 इज अ डैश काइंड ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आप लोग देखेंगे नंबर लाइन पे भी देखो तो 0.4 तो यहाँ पे आएगा, ये आपका 4.0 तो यहाँ पे आएगा बराबर, और 4.4 तो ये ऐसा ट्राइंगल बना बराबर, राइट एंगल ट्राइंगल तो हुआ। अब आइसोसेलस चेक कर लेते हैं, राइट। आइसोसेलस में कैसे चेक करेंगे आप लोग, क्योंकि ये डिस्टेंस जो आपका है राइट वो 4 है बराबर, ये डिस्टेंस भी आपका कौन सा है 4 है। तो बाई फिगर होंगी विदाउट कैलकुलेशन यू कैन से दैट इट इज ए राइट एंगल आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल। अदरवाइज तो क्या करना पड़ेगा, दोज हू आर नॉट ड्रिंग बाई ग्राफ तो उनको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो भाई एडी कितना है, 0-4 द होल स्क्वायर राइट एंड 4-0 द होल स्क्वायर, तो 16+16 आपका एडी स्क्वायर आया 32। अगर आप बीसी स्क्वायर देखेंगे तो 4-4 0 और 0-4 तो ये आया 16, और CA देखेंगे CA स्क्वायर तो भी वो कितना आएगा 16। दिस हाउ यू कैन से दैट दैट इट इज ए आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। बट ग्राफ से अगर आपको समझ में आता है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन इजीली, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपका 4, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 4, राइट एंगल ट्रायंगल है डिस्टेंस, और आप लोग देखिए 4² + 4² ये आपका राइट डिस्टेंस फॉर्मूला से एंड देन अपने साथ में लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखो तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x²-6x+8=0 आर डैश, तो इसके फैक्टर होते हैं -4 × -2 करो तो +8 होता है, और समेशन करो -4 - 2 तो -6 होता है बराबर। दसा आपको फैक्टर तो तुरंत मिल जाएगा x, -4 x, -2, बट फैक्टर के बाद अगर रूट आया तो x = 4 और x = 2। रूट पूछे तो 4 एंड 2, फैक्टर पूछे तो x - 4 x - 2 बराबर, वो खास याद रखना है। यहाँ पे आपको पूछा गया है रूट्स तो आपका 4 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 88 टर्म जो है 7, 12, 17 डैश डैश डैश, तो आपका ए कितना है 7 डी a2 - a1 दैट इज 5 एंड नाउ ए एन, ऐसा फॉर्मूला अगर 2 मार्क का है तो पहले बताना हम तो, और ए 18 मतलब के 80-1 मतलब क्या आप डायरेक्टली कर सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। ए प्लस 79 व्हाट इज ए 7 व्हाट इज डी 5 राइट, तो यहाँ पे 7+395 तो आपका आंसर आ गया 402 ऑप्शन में है, तो यस 402 राइट। साथ साथ में आप आंसर भी चेक करते जाना राइट। नंबर 10 इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90, ए बी है आपका 39, बी सी है आपका 52, आपको फाइंड करना है ए सी, तो एक ट्रिपलेट है 39, 52 और 65, ऐसा दूसरा भी एक ट्रिपलेट है 56, 33 तो भी 65 राइट। मैं आपको बता दूं 56, 33 तो भी 65 बराबर, 39, 52 तो भी कितना हो गया आपका 65, मतलब ये एसी आपका आएगा 65। चेक करके आप देख लो एसी स्क्वायर इक्वल टू 39² + 52² बराबर, 39 का स्क्वायर करो और 52 का स्क्वायर करो तो इसका एडिशन कर दो और 52 का आप करेंगे तो 2704 बराबर,
इसका ऐड करो अब देखो इसका एक बार मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा एक मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर 25 आता है तो पीछे के दो डिजिट का 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये जो 42 है उसमें एक प्राइम नंबर हो ऐसा कंसेक्यूटिव नंबर आना चाहिए, तो 76 6 एंड 7 इसमें से जो छोटा है ना वो हम लोग ले लेते हैं। ऐसा परम्यूटेशन मेथड से आप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि और एक 25 का स्क्वायर रूट निकालो आप राइट 5 और 12 है 3 4 7 बराबर, तो इसमें छोटा कौन सा है 3, तो आपका कितना निकलेगा 35 राइट, सीधा ही ऐसे आप स्क्वायर रूट हाँ जिसमें 25 हो पीछे इसमें ये पॉसिबल है बराबर। ये था आपका राइट विच वन नंबर 10 के बाद और एक करते हैं 11 देखो 0.5 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 इक्वल टू 0 क्या है सही है, क्योंकि यस इट इज ट्रू, क्योंकि कैसे एक्स द होल स्क्वायर माइनस 0.5 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक आपका आएगा प्लस 0.5 दूसरा आएगा माइनस 0.5 है, हमको तो एक चाहिए, एक माइनस 0.5 है और एक आपका प्लस 0.5 है, तो वन ऑफ द रूट है इन स्टेटमेंट इज। नंबर 12 फाइंड द कॉमन डिफरेंस रूट 6 रूट 24 रूट 54, तो कॉमन डिफरेंस मतलब कि आपका डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन हुआ, मतलब कि रूट 24 माइनस रूट 6, रूट 24 मतलब के यहाँ पे 6 इंटू 4 मतलब के 2 रूट 6 माइनस 1 रूट 6, 2 माइनस 1 मतलब कि आपका आंसर आएगा रूट 6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका कितना रहेगा, तो इसका भी अगर आप चेक करेंगे बराबर, तो ये 9 6 मतलब कि 3 रूट 6 और ये 24 मतलब कि 2 रूट 6, इसका भी डिफरेंस करो राइट ए 3 माइनस ए 2 तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा रूट 6, मतलब कि अल्टीमेटली योर आंसर इज व्हाट रूट 6। 12 के बाद 13 देखते हैं, ना 13 इज अ बिट सम दैट इज फ्रॉम रिड्यूस क्वेश्चन राइट, फिर भी आप एक नजर देखो इसका एक 6.6 ऑप्शनल में पहला ही राइडर था राइट, मैंने दो तीन बार करवाया है, देन आफ्टरवर्ड आई हैव डाउन कि भाई अब कोर्स में नहीं है, तो पर आप तो एटलीस्ट इसकी फॉर्मूला याद रखो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए राइट मिस बीसी एट डी, ए बी आपका 8 है, AC आपका 10 है, राइट BD आपका 3.2 है, यू नीड टू फाइंड आउट एंटायर BC। अब जो राइडर की मैं बात कर रहा था वो राइडर आपका कैसा है, AB व्हेन एन एंगल बाइसेक्टर हो तो AB अपॉन AC इक्वल टू उसी साइड वाला ये सेगमेंट BD अपॉन BC, एक फॉर्मूला याद रख के रखो, AB अपॉन AC this side upon this side, आप उल्टा भी ले सकते हो, इक्वल टू BD नीचे BC ही लेना है भले आपको BC पूछा हो बराबर, आप लोग ये राइडर चेक करना फिर कभी आफ्टर योर टेस्ट, तो ये राइडर अच्छी है एकदम इजी है राइट, यहाँ से ऐसा खींच के उसको ले जाके राइट यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, अब मैं आपको ओरली समझा दूँ कि यहाँ से ये जो एंगल है वो बाइसेक्टर इक्वल है, अब देखो एक ट्रायंगल हुआ पी बी सी ध्यान से देखना बराबर, इसमें अगर आप लोग देखो तो ये जो लाइन आपकी पैरेलल हुई, तो एक थ्योरम है 6.1 थ्योरम, इससे अगर आप लोग देखेंगे तो ये ट्रायंगल ये दोनों तो सेम है बट दिस वन एंड दिस वन ये आपके ऑल्टरनेट एंगल रहेंगे बराबर, और यहां से ये एंगल और ये एंगल भी ऐसा हुआ एक ही में दो एंगल सेम हो गए, क्यों दो सेम हो गए, ये दोनों बाय बाय बाइसेक्टर है, तो दिस टू एंगल्स आर सेम तो साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, साइड अपोजिट टू देम मतलब कि ये ए बी और इसके सामने की साइड कौन सी है पी बी, अब आपको रेशियो से आपको पता है आप लोग साइड का रेशियो लेते हैं कौन सी लेते हैं, क्योंकि पी ए अपॉन ए सी
इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी बाय थ्योरम नंबर वन, पी ए अपॉन ए सी इक्वल टू बी टी अपॉन डी सी, ऐसा ट्राइंगल में आपको याद है पहला थ्योरम। ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया पी ए अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, ये दो लाइन बैक है। अब पी ए और ए बी सेम है क्यों, इसके सामने का एंगल साइड कौन सी है ये, और इसके सामने की साइड कौन सी है तो पी सॉरी पी बी है, पी बी के बदले में क्या लिख सकता हूँ ए बी, तो अब आपका फॉर्मूला आ गया ए बी अपॉन ए सी जो अपना ओरिजिनल ट्राइंगल था ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी बी अपॉन बी सी। अब वैल्यू रख बराबर वैल्यू रखेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है एट, ए बी की वैल्यू है एट, ए सी की वैल्यू कितनी है टेन, बी डी दिया रहा है 3.2 तो वन इज बी सी, तो 8 4 जा ये 0.4 हुआ, 8 4 जा एंड 10 4 जा राइट, तो आपका डी सी कितना आया 4, डी सी आया 4, यहाँ डी सी 4 ले लो आपको पूरा बी सी चाहिए तो वन इज योर बी सी, बी सी इज 3.2 प्लस पॉइंट तो आपका कितना आया 7.2। आप लिखोगे ये सब तो रब करके आगे चलो लिखोगे वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में ही नेक्स्ट क्वेश्चन तो ना अभी जो हमने लिया वो 13 था अब ले रहे हैं 14 4 10 थीटा इक्वल टू 3 यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां पे आप 10 थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4 अब इसकी फॉर्मूला लेंगे साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 3/4 लेट इक्वल टू के बराबर, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग ले लेंगे 3k और कॉस थीटा रेशियो है ना इसीलिए k x t ऐसा कुछ भी लेना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 4 इंटू 3k लेते हैं साइन के बदले, कॉस के बदले 4k लेते हैं, नीचे साइन के बदले वेयर देयर इज साइन 3k और कॉस है वहां पे 4k। नाउ 4 3 12k 12k माइनस 4k 8k 4 3 12k 12k प्लस 4k 16k तो आपका k कैंसिल हुआ, तो चेक करो कि आंसर हाफ है कि नहीं, नीचे आप चेक करो इज इट ट्रू और नॉट राइट। नंबर 15 नंबर 15 रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक का 40 है ये 40 और बड़े वाले का 41 बराबर, ऐसे तो जिसका ट्रिपलेट अच्छा हो यहां पे 9 40 एंड 41 तो 9 है तो डबल करेंगे और तो 18 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, बट ऐसा हम लोग लिखेंगे कि फॉर सर्कल हैविंग सेंटर ओ रेडियस 40 राइट ए बी इज ए टेंजेंट, छोटे के लिए टेंजेंट है बराबर, एंड फॉर सर्कल हैविंग सेंटर ओ रेडियस 41 ए बी इज ए कॉर्ड। अब आपको 9th स्टैंडर्ड का एक रूल पता होगा ओ एम not only perpendicular to AB, a perpendicular drawn from a center of a circle to the chord, it bisects the chord. So OM is perpendicular to AB and it bisects AB. बराबर? Hence, अगर आप देखेंगे कि AB is double then MB ऐसा करके एक रिजल्ट बना के रखो। Now according to Pythagoras अपना theorem 6.8, right? MB square इक्वल टू OB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर
41 मतलब 1681 माइनस 1600 दैट इज 81 और 81 का स्क्वायर रूट निकालो तो mb मिला आपका 9 इफ mb इज 9 देन ab इज डबल देन दैट राइट 9 इज आर 18 अगर यूनिट दिया है तो आप लोग यूनिट खास लिखे सेंटीमीटर है तो यहां पे 18 सेंटीमीटर इज द आंसर बराबर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे राइट तो नंबर 16 ऐसा लिखा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेजर ए इक्वल टू मेजर सी माइनस 40 आपको फाइंड करना है ए ये आपने लास्ट ईयर ही ऐसा देखा था ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसको मैं ऐसा मेजर ए माइनस मेजर सी इक्वल टू माइनस 40 इक्वेशन 1 राइट बट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऐसा आपको पता होना चाहिए राइट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर आपका राइट तो ये दो एंगल जो है अपोजिट एंगल कैसा होना चाहिए सप्लीमेंट्री मतलब कि उसका सम टोटल 180 होना चाहिए तो अब दो इक्वेशन बन गए अपना एक क्वाड्रिलेटरल का रूल और एक गिवन ये अपना गिवन है तो अगर हमको ए ही फाइंड करना है तो इट्स क्वाइट सिंपल टू मेजर एंगल ए इक्वल टू माइनस 40 प्लस 180 तो 140 देयरफॉर मेजर एंगल ए इज व्हाट 7 हेलो अब ब्लैंक्स पर सॉरी एमसीक्यू आ रहा है नंबर 17 फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोर माइनस मिलियन राइट मोर माइनस मिलियन इसमें कभी भी आप बोफ के मत करना राइट जो लोग बोफ के करेंगे कंफ्यूज होंगे लास्ट ईयर ऐसा इन लोगों ने किया था 3 पूछा था इस बार इसमें आंसर साइड 2 है तो कैसे मोर मतलब क्या है जेड माइनस जेड जेड है और मिलियन मतलब कि क्या है एम है जेड का फॉर्मूला है 3m माइनस 2x बार माइनस एम 3m माइनस एम 2m माइनस 2x बार व्हाट इज कॉमन ये 2 कॉमन m माइनस x बार m मतलब के मीडियन ये मीन मतलब कि आपकी ब्लैंक पे आंसर कितना आएगा 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 टू फ्रेंड्स और वन सच क्वेश्चन यू आर हैविंग इन योर टेक्स्ट बुक हमीदा एंड सबिता लेफ्ट हैंड साइड टेक्स्ट बुक पे है बोथ ऑफ देम वर बोर्न इन ईयर 2000 अब ये लीप ईयर है वहां पे लीप ईयर इग्नोर ऐसा लिखा था राइट और इन लोगों ने 2000 सीधी लिखा है एडी के बजाय अब ये कौन सा नया ईयर डाल दिया है पता नहीं सीडी नहीं आया राइट वो प्रिंटिंग मिस्टेक है एडी आएगा प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम हैव द सेम बर्थडे तो लीप ईयर में टोटल दिन होते हैं 366 बराबर और सेम बर्थडे आने का चांस 1/366 एंड बाय चांस अगर डिफरेंट पूछा होता तो 365/366 ये अपना सेम बर्थडे का है पर ऐसा उल्टा पूछ सकते हो अगर डिफरेंट बर्थडे है तो 365/366 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो साइन थीटा एक दो मार्क का समी है 1 माइनस cos प्लस cos अपॉन 1 माइनस 10 तो थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है इसका आंसर होपफुली साइन प्लस cos है पर इवन देन कैलकुलेट करके करेंगे यहाँ पे साइन 1 माइनस cos अपॉन साइन यहाँ cos 1 माइनस साइन अपॉन cos आपका 8.4 में राइट ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सम है ना ऐसा थोड़ा मिनी सम है अब साइन एलसीएम लेंगे तो साइन माइनस कॉस अपॉन साइन बराबर यहां पे ये कॉस एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा तो मैं लिखता हूं कॉस माइनस साइन अपॉन आपका क्या आएगा कॉस साइन साइन और कॉस कॉस को इकट्ठा करो
यहाँ देखना, साइन साइन मतलब साइन स्क्वायर, नीचे आपका साइन माइनस कॉस। अब यहाँ देखो ये प्लस है, कॉस कॉस मतलब कॉस स्क्वायर, नीचे आपका कॉस माइनस साइन है। एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन निकालू कॉमन, तो ये प्लस और यहाँ वाली माइनस, तो पूरी साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा नीचे साइन माइनस कॉस। जरा ये स्टेप बराबर देख लेना, यहाँ प्लस के बदले में माइनस करूँ तो यहाँ साइन चेंज, साइन माइनस कॉस। तो सर कैसे कि यहाँ मैं माइनस साइन निकालू, साइन माइनस कॉस हो गया ब्रैकेट में, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस कॉस बराबर। पर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लीकेशन में हो तो प्लस माइनस माइनस, बीच में माइनस की साइन है। अब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन मतलब साइन माइनस कॉस आया। ऊपर क्या हुआ तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर। अब इसके तो फैक्टर पड़ते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो साइन प्लस कॉस रह जाएगा और साइन माइनस कॉस राइट, उसका किसके साथ कैंसलेशन होगा, नीचे वाले के साथ, साइन माइनस कॉस कैंसल। सो व्हाट्स योर आंसर, तो के साइन प्लस कॉस। यू वांट टू राइट दिस क्वेश्चन, यू मे राइट। यू गाइस मे राइट, तब तक मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं। फाइंड टू पार्ट्स वही ना ऑफ 15, तो वन इज एक्स, वन इज 15 माइनस एक्स, सच दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन 15 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 3/10 राइट। अब एलसीएम लेके फैक्टराइज लेके कर सकते हो, LCM is x into 15 minus x. You need to multiply this with 15 minus x, this with x. That is equal to 3/10. X x cancel. 15 into 10. आप इसे ऐसे भी cancel कर सकते हो, 3 5 सब है। तो अब cross multiply करोगे तो x into 15 minus x equal to 15. मतलब कि 15x minus x square equal to 15. ये दोनों को उस तरफ ले जाओ, x square minus 15x plus 15, factor है 10 5s up, 10 and 5, तो answer आएगा 10 एक part और दूसरा part 5, you can counter check as well, एक अगर 10 लेते हैं, तो दूसरा आपका 15 minus 10 मतलब के 5 हुआ, LCM check करो, 10 and 5 का LCM 10, like 1 plus 2, right, तो आपका 3/10, ऐसा है। नहीं, x माइनस 15 ले तो माइनस में आंसर आएगा, बिकॉज़ क्या होता है, एक पार्ट है, टोटल पार्ट 20 है, तो इसमें से तुम कोई भी बड़ा छोटा भी माइनस करो तो 20 से ये 20 से बड़ा हो गया। अगर तुम x माइनस 15 करते हो तो 15 से बड़ा हो सकता है, जबकि हमारे पास तो टोटल ही 15 है राइट। ऐसा सपोज नहीं कर सकते, तो आपका तब तक 19 तक हो गया, अप टू 19। हाँ यू कैन राइट इट बाय द राइट। समझ में आया कि वापिस समझाऊं? देखो साइन अपॉन वन माइनस कॉट प्लस कॉस अपॉन वन माइनस टेन राइट। अब कॉट है तो कॉस अपॉन साइन है, फॉर्मूला है, और टेन है तो साइन अपॉन कॉस राइट। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने एलसीएम किया साइन माइनस कॉस और नीचे दोनों का एलसीएम साइन, कॉस माइनस साइन दोनों का एलसीएम कॉस,
ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया तो साइन स्क्वायर हुआ है यहाँ पे, और नीचे कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन है, कॉस इंटू कॉस, ये मेन स्टेप है जहाँ से मैंने साइन चेंज किया। तो आपका साइन स्क्वायर यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर यहाँ है साइन माइनस कॉस, और ये आपका कॉस स्क्वायर राइट, ये है कॉस माइनस साइन राइट। अब क्या है कि मुझे सेम डिनोमिनेटर चाहिए, तो आई हैव टू टेक एलसीएम साइन माइनस कॉस एंड कॉस माइनस साइन, तो डबल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा, तो यहाँ ये स्टेप बराबर देखना, ये एक स्टेप ज्यादा साइन चेंज, एक्चुअल में मैंने साइन चेंज किया बट दूसरा कुछ नहीं किया। अब देखो माइनस साइन माइनस माइनस प्लस कॉस, मतलब खाली साइन बाहर निकाली, ओरिजिनली वही है, देखो माइनस साइन एंड माइनस माइनस प्लस कॉस। अब देखो जनरली क्या करते हैं हम लोग, ऐसा लिखते हैं माइनस बी बाई ए, ऐसा हो तो भी हम लोग कहाँ पे साइन रखते हैं, ऊपर, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हुआ प्लस माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा माइनस बराबर। और अब आपको फैक्टर तो आते हैं साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस, एक साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन प्लस कॉस बचा। अब समझ में आएगा, तो अब 20 की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 20 में एक पैरामीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन आपका उसमें ब्रज में रॉन्ग दिया हुआ है, उल्टा दिया था और आंसर नहीं आया था, वो खास देखना, मैंने वहां पे वो वीडियो में भी समझाया है, तो टेस्ट में भी खास अगर पूछे तो चेक कर लेना। पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर बराबर, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया पूछा है, रेशियो ऑफ देयर एरिया। अब अगर ध्यान से देखो, पैरामीटर ऑफ सर्कल या तो लेंथ ऑफ ए सर्कल या तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक ही होता है, पैरामीटर लेंथ एंड राइट सर्कमफेरेंस, तो इसका पाई आर स्क्वायर है और इसका क्या है, सॉरी 2πr है और इसका 4l है, मतलब एक l इक्वल टू 2πr बाय 4 हुआ, मतलब कि पाई आर बाय 2 हुआ, इसको इक्वेशन 1 बनाओ। अब उसने पूछा है एरिया, एरिया किसका किसका रेशियो पूछा है, दैट रेशियो ऑफ देयर एरिया, कि एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का कितना है एल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर और सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई लेने दो, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर, एल क्या है तो के पाई आर बाय 2 है, तो स्क्वायर इन करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, एक पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे पाई बचा राइट, 1 अपॉन पाई बाय 4, तो 4 ऊपर और पाई नीचे आया। अब पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 22/7, 7 ऊपर 7 4 जार 28 अपॉन 22, तो ये 14 अपॉन 11 आपका आंसर है, 14 अपॉन 11। अब जरा ध्यान से सुनो राइट, इन लोगों ने ब्रज में जो क्वेश्चन पूछा था और आंसर दिया है वो टोटली गलत है, ब्रज में, अब कौन से पेपर में आई डोंट नो, बट इन लोगों ने ऐसा बोला कि एरिया इसका आंसर 2 अपॉन रूट पाई आता है, वो खास देख लो, एरिया ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर सेम, एरिया ऑफ ए सर्कल राइट एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर आर सेम बराबर, तो आपका आंसर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एल स्क्वायर, मतलब कि एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर को निकालेंगे तो रूट पाई आर स्क्वायर का आर और ये 2, इसको रिजल्ट नंबर 1। ये पूरा उल्टा क्वेश्चन है, एरिया सेम दिया है, रेशियो फाइंड करेंगे पैरामीटर का,
तो इसका राइट क्या पैरामीटर है, ठीक है, 2 पाई आर और इसका को सॉरी मैंने यहाँ गलत लिया, एल स्क्वायर आएगा हाँ राइट। तो एल आपका कितना आया, रूट पाई आर। अब 2 पाई आर किसका पैरामीटर है, सर्कल का, और स्क्वायर का क्या होता है 4L। तो 2 पाई आर नीचे 4 इंटू रूट पाई आर, आपका आर आर कैंसल, ये 2 कैंसल, यहाँ पे पाई है यहाँ रूट पाई है, तो रूट पाई है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई है तो 2 रूट पाई लिख सकते हैं, बराबर है आपका रूट पाई बाई उल्टा, क्योंकि रेशियो वहां पे उल्टा दिया हुआ है, पहले स्क्वायर दिया है और बाद में राइट सर्कल दिया है। आपका ब्रज के पेपर में ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर टू बी वेरी प्रिसाइज 2 बाई रूट पाई है, उल्टा है मतलब, जबकि इन लोगों ने ऐसा कुछ आंसर दिया है जो एब्सोल्युटली गलत है, आप वो वीडियो देखना समझ में आएगा, बराबर नहीं। और एक चीज का खास ख्याल रखें सभी बच्चे कि व्हेनेवर दे विल मेंशन पाई 3.14 तभी हमको 3.14 लेना है, अदरवाइज पाई स्टैंड्स ऑलवेज 22/7, बराबर ऐसा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 21 देखते हैं। 21 में सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर, देन इसका वॉल्यूम पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है रज में, 4 पाई कैंसिल, बराबर, तो आर वन स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर आपका आया हाफ, दैट मीन्स आर वन अपॉन आर टू आपका आया, इसका स्क्वायर रूट तो 1 रहेगा, 2 का हो जाएगा रूट 2, ये रेशियो है। अब वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, तो वॉल्यूम और स्पीयर 1 अपॉन 2, 4/3 पाई आर वन क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर टू क्यूब, फॉर्मूला नहीं आए तो प्रॉब्लम। अब आर वन क्यूब 1 का क्यूब करो तो 1 ही रहता है, बट रूट 2 का क्या करना है, क्यूब करना है, मतलब कि 3 टाइम्स आएगा, रूट टू एंड रूट टू, इसमें 2 रूट टू मिलकर क्या हो जाएगा 2, हेंस योर आंसर इज वॉट 1/2 रूट टू, वो आपका ऑप्शन रहेगा, दैट इज डी ऑप्शन है। वहां पे जो आपने सम किया है वो इसका आंसर 14:11 है, यहाँ पे हो गया है अपना 14:11, इसका ऑप्शन बी लिखा है। एंड नाउ नंबर 22, रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, हमको फाइंड करना है वॉल्यूम, तो ध्यान से देखो इसका डायरेक्ट मोटा मत मानना, वैल्यू रखनी पड़ती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, मतलब कि पाई आर वन स्क्वायर एच वन पाई आर टू स्क्वायर एच टू, इसका रेशियो लेना है। अब रेडियाई का रेशियो और हाइट का रेशियो अंतर रखते हैं, बराबर, तो व्हाट इज द पाई पाई कैंसिल हो गया, रेडियाई कितना दिया है रेशियो में कि 2 का स्क्वायर, मतलब के चलो लिखे रखते हैं 2 स्क्वायर नीचे 3 स्क्वायर, हाइट का रेशियो कितना है तो 5:3, बराबर 5:3, 2 स्क्वायर 4 5 और 3 स्क्वायर 9 रिजल्ट 27, तो क्या आपका आंसर 20/27 ऐसा कोई ऑप्शन है, यस अगेन डी, बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन में संभाल लेना। नंबर 23, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ऑड नंबर है 1, 3, 5, ऑड नंबर है तो एस एन की फॉर्मूला है एन स्क्वायर, और अगर इवन है राइट, इवन नंबर है 2 4
फोर सिक्स, ये मैं आपके लिए बता दूं, अगर ऐसा है तो इसकी फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। राइट प्रेजर हमको जो आंसर चाहिए वो एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब के ऑप्शन ए। एंड नाउ नंबर 24, राइट 24 देखो, और एक गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन m आपका 42 है, m 42 एंड x बार कितना है 35। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट z, तो आप कैलकुलेशन करें और आराम से इसको आंसर ला सकते हैं। व्हाट इज योर z, मोर इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो 3 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 35, राइट, और 2 3 जा 6, 4 3 जा 126 माइनस 70, तो आपका 56 आंसर आएगा। ऑप्शन में है 56, राइट। तो दस आओ अपना सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट।